हेलो एवरीबॉडी, आ जाइए जल्दी से। कैसे हैं आप सभी? कल का दिन कैसा गया? कल तो छुट्टी थी सभी की। चलिए जल्दी से आ जाइए, शुरू हो गई है रीजनिंग क्लास, जल्दी से आ जाइए। जल्दी से, और मुझे बताइए कि ऑडियो और वीडियो सही है या नहीं। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो पिंकी, हेलो नीरज, चलिए जल्दी से आ जाइए ताकि हम आज का सेशन शुरू कर सके। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा करने में। और आज एक नई चीज करते हैं, आज सेशन के एंड में ये बताइएगा कि किसने कितना स्कोर किया। मुझे सेशन के एंड में बताइएगा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से जिसका गलत रहा वो अपना मार्क्स डिडक्ट कर देगा। हेलो एवरीबॉडी, यस ओके, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। यस, जल्दी से मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द मिनट हैंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 आवर 20 मिनट्स, देन व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। एंगल बताना है, क्या बताना है, एंगल, जल्दी बताइए। यस, मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए। चलिए देखिए, 1 मिनट का जो स्पेस होता है वो 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट का स्पेस 6 डिग्री का होता है, एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 आवर 20 मिनट। सो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 + 20 = 80। When I will multiply 80 with 6 degree, I'll get 480 degree. So, A will be the right answer for this question. Yes, Mr. Limo. Yes, Mr. Vivek. सही, एकदम सही, एकदम सही आंसर है। चलिए, next question आपकी screen पे आ चुका है। इसको solve करने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे solve होएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, जल्दी से क्वेश्चंस कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है और मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व होगा। 420 नहीं मिस्टर अरुण, इट्स 480। 80 डिग्री, 80 मिनट इंटू 6 डिग्री, 480। ओके, यस स्वाति, 1 मिनट का जो स्पेस होता है उसका एंगल होता है 6 डिग्री, एंड हमारे पास 80 मिनट्स हैं, 1 आवर + 20 मिनट। तो जब हम 80 मिनट, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का स्पेस 60 डिग्री है, तो 80 मिनट का 80 × 6 डिग्री होगा, दैट इज 480। चलिए, यस, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि 8 लोग बैठे हैं 2 अलग अलग लाइंस में एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। हमें इसमें हर पॉसिबिलिटी लेके जानी होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके, तो वो कहता है ईच रो हैज 4 पर्सन, हर रो में कितने लोग हैं, 4। तो ये 2 डायग्राम्स मैंने बना लिए हैं ताकि मैं पॉसिबिलिटी का, पी आंसर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी का हम कर सके। तो हम शुरू करते हैं, पी इज बिटवीन यू एंड वी। देखिए, पी इज बिटवीन यू एंड वी, हु एंड फेसिंग नॉर्थ। जब वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो पी और यू वी इधर ही बैठेंगे इस रो में। देखिए, अब V यहां आ सकता है, P यहां, U यहां, लेकिन V यहां भी, U यहां भी आ सकता है, P यहां और V यहां, क्योंकि पॉसिबिलिटी देखनी है हमें।
हम पॉसिबिलिटी देख के चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में कहता है वो Q, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M इज फेसिंग W, लेकिन इसका हमें कुछ भी हमें नहीं पता, W कहाँ बैठा है, Q कहाँ बैठा है, M कहाँ बैठा है। देन R इज बिटवीन T एंड M एंड W इज इमीडिएट राइट ऑफ V। देखिए इधर V का इमीडिएट राइट ये है, यहाँ W नहीं है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो यहाँ आ जाएगा W। आप देखिए सेकेंड लाइन क्या कहती है, U एंड V फेसिंग नॉर्थ। इसके बाद वाली Q, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W। ये देखिए यहाँ Q आएगा, यहाँ M आएगा। अब वो कहता है कि R और T की बात की गई है, R इज बिटवीन T एंड M। ये देखिए अब जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हमें दे दिया है सीधा P, यस P इज द आंसर। जिन्होंने P जवाब दिया है वो एकदम सही है, P इज द राइट आंसर। देखिए ये बनेगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन ईच क्वेश्चन बिलो थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू द आंसर। आपको तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि क्या तीनों उस स्टेटमेंट सफिशियंट आंसर के लिए, या दो या ओनली वन। चलिए डी आंसर आया मिस्टर लिमो का, डी एकदम सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। यस सूरज पुनिया क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही है। पी पिंकी सतीश शुभम शर्मा एकदम सही, पी इज द राइट आंसर। चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए मुझे। क्या कहना चाह रहा है वो पढ़िए, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी। देखिए देखिए फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या दे रखा है, एम इज ब्रदर ऑफ आर। दूसरी स्टेटमेंट में दे रखा है एस के दो बच्चे हैं, ठीक है, टू सन्स एंड वन डॉटर, दो मेल हैं एक फीमेल है। लेकिन इसमें कहीं भी फर्स्ट टू में कहीं भी क्यू और टी के रिलेशन की बात नहीं की गई है। ध्यान से देखिए फर्स्ट टू में रिलेशन की बात नहीं की गई है, बी आंसर आ रहा है, यस। चलिए लेकिन थर्ड में देखिए एस इज द मदर ऑफ, एस इज द मदर ऑफ टी एंड क्यू, तो हमें थर्ड से पता चल रहा है कि आंसर हमारा बी आएगा, बी विल बी द राइट आंसर, यस। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस बी विल बी द राइट आंसर मिस्टर लिमो, एकदम सही। चलिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। मिस्टर विवेक डी इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए कैलेंडर का क्वेश्चन है क्या आंसर आएगा। यस कैलेंडर का क्वेश्चन है अभिकांत, एकदम सही है डी आंसर। अरुण कुमार बी नहीं, सॉरी डी नहीं बी आएगा अभिकांत। चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। यस देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन दिसंबर 17, 1899, तो हमें ये बताना है कि 22 दिसंबर 1909 को क्या डेट डे होएगा। तो जब मुझे ये पता है कि 17 दिसंबर 1899 को सैटरडे था, क्या था सैटरडे, तो इसके एक साल के बाद 17 दिसंबर 1900 में क्या आ जाएगा संडे। अगर आपको एक डे दे रखा है किसी स्पेसिफिक ईयर में किसी स्पेसिफिक डेट का, नेक्स्ट ईयर वो एड ऑन होके
एक ऐड हो जाता है, मतलब सैटरडे में एक ऐड हो गया तो वो संडे बन गया। अब ऐसे ही मैं 17 दिसंबर 1901 का करूंगी तो इसमें क्या कर दूंगी, प्लस वन, क्योंकि एक ऐड हो जाएगा जो कि आएगा मेरे पास मंडे। अब क्योंकि मेरे पास 17 दिसंबर मंडे आ गया, सॉरी 17 दिसंबर मंडे आ गया, तो मैं ये देखूंगी कि 22 दिसंबर क्या आएगा। तो 22 दिसंबर मेरे पास आएगा सैटरडे। देखिए अगर मैं इसमें 17 से 22 दिसंबर जाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, सैटरडे। तो डी बी विल बी द राइट आंसर, बी। यस, मिस्टर अभय कांत ने एकदम सही कहा, जो 1900 है वो लीप ईयर है, 1900 है वो लीप ईयर है। तो यहां पर मंडे आएगा, देखिए तो यहां पर मंडे आंसर आ जाएगा क्योंकि 1900 लीप ईयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, सिलोग्स और सिलोग्स का है ये क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए, सिलोग्स का है, मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। देखिए, सम स्केल आर पेंसिल, सम इरेजर आर पेंसिल, सम स्केल आर पेंसिल, सम इरेजर आर पेंसिल। कंक्लूजन हमें दे रखा है सम पेंसिल आर इरेजर, सम पेंसिल आर इरेजर, यस। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन दे रखा है सम पेंसिल आर स्केल, यस। देखिए कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि स्टेटमेंट में आपको कहा गया है स्केल आर पेंसिल और कंक्लूजन में आपको कहा गया है पेंसिल आर स्केल। तो एज इट इज स्टेटमेंट रिपीट होती है तो हम उसे रॉन्ग करते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा बोथ विल बी करेक्ट, तो सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सी तीन फिगर्स एक उसमें आ रही हैं, एक ग्रुप में आ रही है। मैंने जूम कर दिया आपके लिए फिगर्स वाला सेक्शन, जल्दी से मुझे देख के बताइए कि कौन सी तीन फिगर एक ग्रुप में आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपको रखना है इन्हें। जल्दी से, यस एकदम सही है मिस्टर अरुण, सी विल बी द राइट आंसर। मिस्टर सतीश, C will be the right answer. Both will follow. Both will follow. चलिए जल्दी से। जल्दी से मुझे बताइए कौन सी दो फिगर्स कौन से एक ग्रुप में। यस मिस्टर लिमो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, ये देखिए ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए हैं। आप देखिए क्या क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए एक तो सर्कल है, एक तो सर्कल है, आपको सर्कल दिख रहे हैं, एक तो सर्कल का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, एक सर्कल का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसमें आपको ये फिगर दिख रही होगी और एक ग्रुप बनेगा जिसमें आपको ये इस टाइप की फिगर दिख रही होगी। जल्दी से बताइए,
यस जल्दी से बताइए. यस आंसर आया है 47147. देखिए इसके जो ऑप्शन आएंगे वो 147 होंगे, ठीक है. और जो सेकंड वाली फिगर है उसके होंगे 258 एंड उसके बाद वाली जो फिगर है उसके होंगे 369. तो ए विल बी द राइट आंसर. यस एकदम सही, ए एकदम सही आंसर है. चलिए मिस्टर लीमो, मिस्टर आशीष, ब्रोकन हार्ट, एकदम सही, ए इज द राइट आंसर. मैंने आपको तीन फिगर्स बता दी हैं कि क्या क्या होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश कीजिए. यस एकदम ए एकदम सही आंसर है. अब एकांत आपका एकदम सही है. चलिए मिस्टर अरुण कुमार एकदम सही, शुभम शर्मा एकदम सही आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश कीजिए. ए आंसर आ रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 15 में भी. यस देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, हाउ बैंक इज रिलेटेड टू मनी, सो आई हैव टू फाइंड आउट कि ट्रांसपोर्ट किस से रिलेशन में है, जिस तरीके से बैंक रिलेशन में है मनी के. चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है वो. यस यस देखिए जिस तरीके से बैंक ट्रांजैक्शन करता है मनी में, जिस तरीके से बैंक ट्रांजैक्शन करता है मनी में, लाइकवाइज दैट ट्रांसपोर्ट डील करता है गुड्स में. तो जिन जिन्होंने ए आंसर किया है मिस्टर लीमो एकदम सही, डी नहीं ए आएगा, ए आएगा गुड्स. देखिए गुड्स बैंक जो अपना वर्क करता है वो मनी से रिलेटेड करता है और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो गुड्स से रिलेटेड करता है. नहीं मिस्टर अमित देखिए जैसे मैंने आपको बताया बैंक जो है वो मनी से रिलेटेड काम करता है और जो जैसे ट्रांसपोर्ट है वो गुड्स से रिलेटेड करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस थ्री अल्टरनेटिव्स आर सेम इन अ सर्टेन वे आउट ऑफ फोर एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ओड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. ओड वन आउट, जल्दी से मुझे बताइए ओड वन आउट कौन सा है. हॉर्स, हॉर्स आंसर आ चुका है मेरे पास. देखिए इसके दो आंसर बन सकते हैं लेकिन आपको ये देखना होगा कि एग्जामिनर का प्रोस्पेक्टिव क्या है उस क्वेश्चन को लेकर. एग्जामिनर आपको घुमा सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर का प्रोस्पेक्टिव क्या है. देखिए इसका आंसर सी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है. क्यों डी इसलिए होगा क्योंकि जिराफ, जेब्रा और लायन वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन जो हॉर्स है वो डोमेस्टिक एनिमल में आता है. लेकिन इसका आंसर एक ये भी हो सकता है कि जो जिराफ, जेब्रा और हॉर्स हैं दे डजंट ईट मीट. सो जो लायन है वो मीट खाता है. तो इनमें ये डिफरेंस हो जाएगा कार्निवरस, यस कार्निवरस और हर्बीवरस का डिफरेंस आएगा, इस वजह से लायन आएगा. लेकिन आपको एग्जामिनर के प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या कहना चाहता है. सो इसका आंसर सी डी होगा, डी डी हॉर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मिस्टर लीमो आपको ये देखना है कि एग्जामिनर को कौन पसंद है. हमें जो पसंद है वो ओके है लेकिन एग्जामिनर को कौन पसंद है हमें वो देखना है. यस लायन इज कार्निवरस लेकिन हमें एग्जामिनर के प्रोस्पेक्टिव से देखना है जो एग्जामिनर का प्रोस्पेक्टिव है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए, कौन सा ऑड वन आउट है. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए, ऑड वन आउट बताइए मुझे.
जल्दी से। यस, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, आपको तीन तीन ऑप्शंस में वोवल्स दिख रहे होंगे। देखिए, डी ई इज अ वोवल, जी जे जी जे, ओके, क्यू एम पी ओ, पी ओ ओ इज अ वोवल। डी में देखिए सी जेड बी ए, ए इज अ वोवल, बट सी में देखिए टी क्यू एस आर, वोवल नहीं है। तो सी हमारा जो आंसर आएगा सी, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक जो पैटर्न है वो नहीं चल रहा है, किसी भी ऑप्शन में स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चल रहा है, इसलिए हम वोवल्स के थ्रू जाएंगे। यस, नीरज राजपूत कुमार, सी इज द राइट आंसर। अरुण कुमार, सुशील, एकदम नहीं, सी आएगा, वोवल्स के प्रस्पेक्टिव से देखेंगे। इरशाद खान ने बताया भी है, हम वोवल्स के प्रस्पेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें नहीं दे रखा है यहाँ पर, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दे रखा है हमें यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, यस, अभय पटेल, एकदम सी, एकदम सही आंसर है। सुमित, सी इसलिए क्योंकि जो सी में कोई भी वोवल नहीं है, सी में कोई भी वोवल्स नहीं है, बाकी सब में एक एक वोवल है, ई ओ ए, दैट्स व्हाई सी, क्योंकि कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मिस्टर लीमो का सी आया है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में देखना है कि जो सेकेंड हाफ है, देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, अगर मैं सेकेंड हाफ को मतलब 13 एम तक, तो मैं इसको स्ट्रेट लिखूं, यहाँ पर एम आ गया, यहाँ ए है, और एम के बाद जो बाकी के 13 बचे मैं उन्हें रिवर्स कर दूं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके बीच में हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे। चलिए उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है, यस वाई आंसर आ रहा है मेरे पास। उसके बाद वो ये कहना चाह रहा है, देन विच लेटर कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम फिफ्थ। देखिए अगर हमें लेफ्ट 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट और इसी के ही लेफ्ट में फिफ्थ निकालना है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगी, तो मुझे 15th लेटर निकालना होगा, क्योंकि अगर मैं इधर जाऊंगी 20th पे एंड देन फिर 5th पे जाऊंगी, तो वो अपने आप ही 15th बन जाएगा। देखिए अगर मैं इधर से 20th निकालती हूँ, इधर से 20th निकालती हूँ एंड देन वापस जाती हूँ 5th पे, तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही 15th का अपने आप हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा 15th निकालूंगी। तो जब मेरे पास यहाँ तक 13th है, 13 है मेरे पास, m इज इक्वल टू 13, तो z क्या हो गया 14, y क्या हो गया 15, तो y विल बी द आंसर। जिन्होंने भी y आंसर किया है, एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी y आंसर किया है, c, सुनील कुमार c, इरशाद खान c, एकदम सही, विवेक, शिंटू, पिंकी, ए नहीं सी आएगा, देखिए यस वाई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं। इन केस ऑफ हाउ मैनी लेटर्स ऑफ द वर्ड विल बी देयर ऑर्डर इन देयर द लेटर्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको एक वर्ड दे रखा है, उसको अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने वर्ड सेम पोजीशन पे आते हैं। सी आंसर आ गया है मेरे पास, चलिए जल्दी मुझे बताइए, सी आंसर आ रहा है मेरे पास। चलिए देखिए, अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाती हूँ, अगर मैं इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाती हूँ, आर ए
I M E N T. Okay? R A I M E N T. देखिए तीन वर्ड्स हैं जो अपनी ही पोजीशंस पे वापस से आ रहे हैं जब मैं उन्हें अल्फाबेटिकली लगाती हूँ. यस, तो तीन जो है वो सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं, तो ए आंसर होगा इसका. आई एम एन टी ऑन द सेम प्लेस, मिस्टर लीमो का आंसर आया एकदम सही. आई एम एन टी आर ऑन द सेम प्लेस. यस, बी बी नहीं ए आंसर है. देखिए तीन आई एम ओ टी सेम प्लेस पे आ रहे हैं, तो थ्री आंसर होगा. क्रिप्टो का एकदम सही आया है, थ्री आंसर होगा. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, इसको बताइए इसका क्या पैटर्न या फिर क्या जवाब हो सकता है. In each of the following question, a word is given. How many pairs of the letters are there in these alphabets, which are many letters between them as in the alphabetical series? आपको ये बताना है कि इनमें जो words, A एकदम सही आंसर आ रहा है लोगों का, एकदम सही सतीश कुमार, सुनील दत्त, एकदम सही A. आपको बताना है examination में जो words है, जो letters हैं, उनके बीच में जो difference है, वो सेम डिफरेंस अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स के बीच में है. आपको ये जवाब देना है. जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर. देखिए देखिए मेरे पास देखिए दो आएंगे. ये देखो एक ओ और एन, एक आएगा O और N, 14 के बाद जस्ट 15 आया हुआ है. एक आएगा, देखिए 2, 3, 4, 5, नहीं ये भी नहीं आएगा. चलिए हम और देखते हैं. देखिए ये देखिए E से लेकर O, ये आपको दिख रहा है, इसके बीच में जो वर्ड्स हैं वो सेम अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, तो टू विल बी द आंसर. एक आएगा ई और ओ, एक आएगा ओ और एन, ई और ओ और ओ और एन. स्क्रीन जल्दी से देखिए. यस, ओ विल बी द आंसर. नहीं सुनील कुमार, दो हैं. देखिए ई और ओ, ई और ओ और ओ और एन, ये दो पेयर्स हैं मेरे पास. जल्दी से आगे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. जल्दी से देखिए, मुझे बताइए हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एल इन द गिवन सीरीज. L के तुरंत बाद कितने अक्षर हैं? B आंसर आया है मिस्टर विवेक का पिछले क्वेश्चन का. यस, एकदम सही जा रहे हैं. चलिए जल्दी मुझे बताइए.
हाँ जी सुनील कुमार, एन के बाद ओ आता है, लेकिन हम अपोजिट में भी देखते हैं डिफरेंस, तो इनके में ए मतलब जस्ट फॉलोड करता है ना, तो वही चीज इसमें भी है। हमें ये देखना है कि कितना, अगर जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें डिफरेंस सेम है या नहीं, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए, बताइए कितने लेटर्स फॉलो कर रहे हैं। बी आंसर आ रहा है इसका भी मेरे पास, सी आया है मिस्टर अरुण कुमार का, सी आया है मेरे पास इसका आंसर, यस। चलिए इसका आंसर आएगा 4। देखिए L के बाद M है, L के बाद M है, फर्स्ट L के बाद M आ रहा है, सेकेंड L के बाद T आ रहा है और थर्ड L के बाद D आ रहा है, 1 2 3 3 है। इसका आंसर C है, C C C एकदम C, सॉरी C है इसका आंसर, यस। जिन्होंने भी C आंसर किया है वो एकदम सही है, A आंसर नहीं आएगा, C आएगा, सी आंसर आएगा उसका, क्वेश्चन नंबर 21 का 3। यस, तो जल्दी से मुझे बताइए कि कितने मार्क्स आए आज, कितने मार्क्स आए आज, जल्दी से मुझे बताइए कितने मार्क्स आए आज। यस नीरज राजपूत कुमार आप एकदम सही हैं, चलिए सी इज द राइट आंसर, सतीश कुमार एकदम सही सी। चलिए चलिए ओके 18 out of 21 आशीष सिंह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, फास्ट स्पीड फास्ट कीजिए, यस yes। चलिए तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, क्रिप्टो अर्निंग एडवाइस के 20, सतीश कुमार 20, वेरी गुड, राजेश जी के 21 आए हैं, वेरी गुड। चलिए ओके मिस्टर लीमो एकदम सही, आपके 21 है। चलिए चलिए तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और कल आपको मिलेंगे हम यहीं इसी जगह पे, टाइम से आ जाइएगा और हर जगह पोस्ट कर दीजिएगा कि सेशन चल रहे हैं रीजनिंग के, SSC CGL के, टाइम पे आएंगे सभी। चलिए बाय, नमस्कार, गुड नाइट।